हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे ही हमारा स्टूडेंट वीज़ा लग जाता है उसके बाद हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे मेन टेंशन जो हमारी रहती है वो यही होती है कि कहीं गलती से कोई डॉक्यूमेंट हमारा रह ना जाए। तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम फर्स्ट टाइम कनाडा ट्रैवल कर रहे होते हैं। और साथ में गाइस मेरे को एक दिन ही हुआ अभी कनाडा आए को, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा, मैं आपको अपनी ही फाइल के बारे में बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करे और किस तरीके से उन्हें मैनेज करा। तो गाइस हमेशा की तरह सेम रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। तो चलिए अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। और एक चीज जो मैं आपको पहले ही बताता हूं, जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने स्टार्ट कर दोगे आप सोचोगे कि अब इन्हें मैनेज कैसे करें। तो गाइस सबसे पहला स्टेप, आप अपनी दो फाइल्स इस तरीके से अलग अलग रखें, एक तो जिसमें आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे आ जाएं, और साथ में एक ऐसी फाइल जो आपके पास हैंडी रहे हर टाइम। अब करना यह है कि बड़ी वाली फाइल के अंदर सबसे पहले तो आपकी जितनी भी ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह हैं, आपकी आइडेंटिटीज हैं जो आपको साथ में लेके जानी है, वो उसके अंदर पूरी ढंग से सेव करके रख लो। और उसके बाद जितने भी अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपने बात करने वाले हैं जो हमें हैंडी चाहिए रहते हैं, उनकी भी एक कॉपी आप अपनी उसी फाइल के अंदर लगा के जरूर रखें। और उसके बाद बात करते हैं ये वाली फाइल जो हमेशा हमारे पास हैंडी रहनी चाहिए, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस ऑर्डर में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। सबसे पहले अपनी फ्लाइट टिकट, उसके बाद कोविड की रिपोर्ट, एंड उसके बाद जो मेरी होटल की कंफर्मेशन थी जो कनाडा की थी या मेक्सिको की थी या फिर जो क्वारंटाइन प्लान था वो, एंड देन जो मेरा कॉनेस्टोगा कॉलेज का ऑफर लेटर था वो, और उसके बाद एनरोलमेंट लेटर, क्योंकि कॉनेस्टोगा ने मेरे को ट्रैवल सपोर्ट लेटर नहीं दिया था तो एनरोलमेंट लेटर ही लेके आया था सिर्फ साथ में, एंड देन उसके बाद कॉलेज की जो फी थी वो रखी, एंड उसके बाद जो मेडिकल की अपनों को ई शीट मिली थी वो, और उसके बाद जो अपनी GIC की रिसिप्ट है वो, एंड उसके बाद ये जो फाइल सबमिशन लेटर था अपना जिस टाइम अपनी फाइल लॉन्च करी थी वो, और उसके बाद जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है, और उसके बाद जो वैलिडिटी ऑफ योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बाद लास्ट में जो अपना वीजा लेटर आया था कि अपना स्टडी परमिट अप्रूव हो चुका है वो, और साथ में मेरी जो दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी हैं उसकी भी कॉपीज में साथ में लेके गया था इनकेस अगर नीड पड़ जाए। और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि मैं अभी भी क्वारंटीन क्यों कर रहा हूं जबकि मैं फुली वैक्सीनेटेड हूं। तो गाइज वो रूल अभी 6 जुलाई से लगना है, तो अभी तो चाहे कोई फुली वैक्सीनेटेड है या नहीं है उन सबको ही क्वारंटीन रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और साथ में गाइज जो अपनों ने क्वारंटीन करना होता है 11 डेज का, उसका भी कहते हैं कि हमें फॉर्मेट लेके जाना चाहिए। तो कॉलेज ने बोला था आईसेंट ऐप के अंदर सारी डिटेल्स भरनी थी, तो उसके बाद उन्होंने एक PDF फाइल दे दी थी क्वारंटाइन प्लान से रिलेटेड, तो बस उसी का प्रिंट आउट मैं साथ में लेके गया था एज अ क्वारंटाइन प्लान। और उसके बाद जो मेरे को 11 डे अभी आगे क्वारंटाइन करना है तो उसको भी मैंने $100 देके बुकिंग कंफर्म करवा ली थी और उसकी कंफर्मेशन दे रही। तो गाइस ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की बात, इसके अलावा भी 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग, आपको आपकी स्टूडेंट ID और पासवर्ड हर टाइम याद होना चाहिए। अगर आप याद करके नहीं रख सकते तो कहीं पे लिख के रख लो, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बोल सकते हैं आपके फोन पे स्टूडेंट आईडी जो है वो लॉगिन करके दिखाओ, मेरे को भी बोला गया था, तो इसीलिए ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना। और उसके अलावा अराइव कैन ऐप का तो आप सबको पता ही है कि 72 आवर्स पहले हमें रजिस्ट्रेशन करके और रिसिप्ट लेनी होती है, और अगर साथ में आपका कॉलेज ने भी एक ऐप बताई होगी जैसे मेरे को आईसेंट ऐप के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो फिलअप करनी थी। और उसके बाद बात आती है ये डॉक्यूमेंट्स हम कहां पे रखें। गाइस गलती से भी अपना जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रॉली में डाल के कहीं भेज मत देना लगेज में, जो भी आप बैकपैक लेके जाओगे उसके अंदर ही ये दोनों फाइल्स होनी चाहिए आपकी। और साथ में गाइस ये चीजें आपके आपको पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि बैकपैक को पीछे की साइड नहीं आगे की साइड रखें हर टाइम, क्योंकि भीड़ के अंदर हमें पता नहीं चलता अगर गलती से भी किसी ने हमारी कोई चीज निकाल ली या फाइल निकाल ली या पासपोर्ट कहीं इधर उधर हो गया तो हमारे लिए बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और साथ में गाइस अभी न्यूली मैं कनाडा के अंदर एंटर हुआ हूं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो अभी करनी है, तो अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जितने भी जो भी प्रोसेस रहेंगे आगे मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता रहूंगा। तो गाइस इस वीडियो के पॉइंट्स इतने ही थे, अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स को कवर करने की। तो ठीक है गाइस अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।